बात करेंगे भाषा और उसके शब्दों को लेकर। कुछ लोग भाषा के प्रयोग पर बहुत अटक जाते हैं, हिंदी भाषी लोग, और वो कहते हैं कि हिंदी में इसी शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो भाषा को लेकर की गई जबरदस्ती या जिद बिल्कुल अच्छी नहीं है। भाषा क्या, किसी भी चीज को लेकर की गई जिद खराब होती है। मैं अब एक उदाहरण के द्वारा एक बात समझाता हूँ। मैं एक दिन बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा एक व्यक्ति से कि तुम कौन से ट्रेन से आए हो, तो उसने मुझे टोका और कहने लगा कि आप तो हिंदी की बात करते हैं हमेशा और हमेशा कहते हैं अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करो, तो आपने ये ट्रेन शब्द क्यों बोला। मैंने कहा हाँ, क्या बोलता मैं, तुम बताओ। तो उसने कहा आपको कहना चाहिए था आप किस रेलगाड़ी से आए। मैं उनको देखकर मुस्कुराता रहा, तो उन्होंने कहा आप मेरी तरफ देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मैं रेलगाड़ी बोलता, तो रेलगाड़ी शब्द आप क्या समझ रहे हैं कि हिंदी का है। रेल किसका शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और उसके साथ मिलकर जो शब्द बनता है रेल जमा गाड़ी, ये शब्द बना रेलगाड़ी। रेल जो शब्द है, रेलवे स्टेशन हम बोलते हैं, तो ये वही रेलवे स्टेशन का रेल शब्द है। रेल के साथ शब्द लिया गया गाड़ी, तो ये हुआ अंग्रेजी का शब्द और ये हुआ गाड़ी शब्द हमारी देसी भाषा। तो इस तरह से ये रेलगाड़ी शब्द है। अब किसी भी भाषा को इस्तेमाल करने से पहले उसके शब्दों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। तो हिंदी में इसी तरह से इन शब्दों को तीन या चार कैटेगरी में बांटा गया है। उन चारों की बात हम यहां तुम्हें बताते हैं, उससे भाषा की समझ थोड़ी बढ़ेगी। सत्संग शब्द, तद्भव, विदेशी और देशी, ठीक है ना। इसको हम एक शब्द और बोलते हैं देशज, देश में। तो शब्दों के ये चार प्रकार हैं, सत्संग शब्द, तद्भव, विदेशी और देशज। तत्सम शब्द वे भाषा वे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, और हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग हम उसी के हिसाब से करते हैं। वैसे एज इट इज जिसको कहते हैं ज्यों का त्यों, तत्सम माने उसी प्रकार, कोई परिवर्तन नहीं करते उनमें हम। जैसे एक शब्द है सूर्य, अब हम सभी बोलते हैं भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य शब्द बड़ा सहज है बोले जाने वाला, तो ये तत्सम शब्द है। अब वो लोग जो सूर्य शब्द नहीं बोल पाते थे, किसी कारण से प्रचलन में नहीं था, संस्कृत शब्द था, तो उन्होंने इसको सूरज बोलना शुरू कर दिया, सूरज। तद्भव माने उसका बदला हुआ रूप, तो सूरज का रूप जो नहीं बोल सकता था उन्होंने सूरज बोलना शुरू कर दिया, रूप बदल गया, ये तद्भव हुआ। अब विदेशी शब्द कौन से, जो सारी विदेशी भाषाओं से आए, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इसके जो शब्द होते हैं, जैसे हम यहां बोलते हैं कॉलेज, ठीक है ना, कारतूस, ये इत्यादि शब्द जो हैं, हॉस्पिटल, ये शब्द अंग्रेजी विदेशी भाषा के शब्द। कोई भी, इतनी सारी विदेशी जातियां भारत में आई तो सभी अपने अपने शब्द, उर्दू, अरबी, फारसी, इनके कितने शब्द होते हैं जो हम रोज इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब इस्तेमाल शब्द भी जैसे बोला मैंने, तो ये जो सारे हैं ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। फिर अगला आता है देशज, जिनका जन्म देश में हुआ। जैसे मैंने अभी रेलगाड़ी शब्द बताया, तो रेल विदेशी शब्द था और गाड़ी देशज शब्द था, गाड़ी शब्द ये देशी शब्द हो गया, ये विदेशी था रेल, तो रेल जमा गाड़ी रेलगाड़ी, तो इनसे मिलकर ये शब्द बना। तो ये एक यौगिक शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, इनको संकर शब्द भी कहते हैं, कि दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल गए। तो इस तरह से नए शब्दों का प्रचलन होता है।
देशज शब्द में आता है, जैसे लोटा, गाड़ी, पगड़ी, ये सब देशज शब्द हैं। तो इन चार शब्दों के हिसाब से हम यात्रा को लेकर चलते हैं। लेकिन ये जिद पकड़ना कि हिंदी के शब्दों को ही इस्तेमाल करना, जिद गलत है। क्योंकि जो वैज्ञानिक शब्द होते हैं, वैज्ञानिक शब्द नहीं बदले जा सकते। अब तुम जाओ किसी लेबोरेटरी में और कहो मुझे तो अज्ञात किरण करानी है, वो कहेगा अज्ञात किरण करानी है, ये क्या कराना है? आप कहोगे मुझे अज्ञात किरण करानी है। सीधा सा शब्द अगर आप उसे जाके कहो मुझे एक्सरे कराना है, वो फौरन कर देगा। तो एक्सरे शब्द को हम एक्सरे ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो शब्द जो वैज्ञानिक शब्दावली होती है, तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल वोकैबुलरी, उनको हम कभी नहीं बदल सकते। मैं तो कहता हूँ टेलीफोन शब्द को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दूरभाष, अब आप किसी को कहो कि हम दूरभाष पर बात कर रहे थे, लेकिन उसका ओरिजिन शब्द जो है वो टेलीफोन है। फैक्स, टेलीग्राम, अब मैंने उन सज्जन को कहा जो बार बार इन शब्दों की जिद करते हैं कि इन्हें बदला जाए, मैंने कहा अच्छा व्हाट्सएप की क्या इंग्लिश करोगे बताओ, हिंदी करोगे? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो जो शब्द तकनीकी हैं उनको बदलने की जिद नहीं करनी है। इसके बारे में महात्मा गांधी बहुत अच्छी बात कहते थे, जिससे तुमको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महात्मा गांधी कहते थे कि विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। कब? जबकि हमारी अपनी भाषा के अंदर वो शब्द ना हो। ध्यान देना कि अगर हमारी अपनी भाषा के अंदर वो शब्द ना हो, और महात्मा गांधी इस बात का बहुत विरोध करते थे। कहते थे जैसे लोग माँ को मदर, पिता को फादर, इस तरह से, और बहन को सिस्टर, ये जो शब्द इस्तेमाल करती हैं बिल्कुल गलत थे। आज की दुनिया में तुम देखोगे कि हर एक कोई पत्नी कहती है मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, और पति कहता है कि मेरी वाइफ ये करती है, लेकिन कोई भी पत्नी ये नहीं कहती मेरे पतिदेव ये करते हैं। इस दैनिक नवज्योति में सन शायद 1923 में ये छपा था आर्टिकल महात्मा गांधी का, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि जो हमारे अपने शब्द हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना है, और अगर हमारी भाषा में वो शब्द नहीं है भारत से अपनाओ, तो तुम देखोगे कि हर बच्चा ये बोलता है मेरी मदर ने ये कहा, मेरे फादर ने ये कहा, कोई ये नहीं कहता मेरे पिता ने ये कहा, मेरी माँ ने ये कहा। क्यों? संसार में किसी देश का बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने माता पिता और उनका नाम किसी दूसरी विदेशी भाषा में लेता हो सिवाय हमारे। हम नहीं लेते, हमें शर्म आती है, हमें माँ को माँ कहने में भी शर्म आती है। ये स्थिति हो गई है हमारी। आप सब लोग सुबह उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संसार में किसी देश का बच्चा नहीं कहता सिवाय उनके जिनकी भाषा अंग्रेजी में है। किसी भी, चीन ले लो, फ्रांस ले लो, जापान ले लो, वो सब अपने देश की भाषा में अपने मिलने वालों को नमस्कार करते हैं। मेरे पास कई विदेशी मित्र आते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं हम आपके देश में आते हैं और आपके देशवासियों से हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, क्योंकि हमें बताया जाता है विदेश में कि जिस भी देश में आप जा रहे हैं उसका अभिवादन सूचक शब्द क्या है। तो हम भारत में आते हैं, हम कहते हैं नमस्ते, सामने वाला कहता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कहता हम नमस्ते कर रहे हैं, और वो बड़े हैरान होकर कहते हैं कि आपके देश में शायद ही हमने किसी को देखा हो कि कोई नमस्कार या नमस्ते कह रहा है, सब गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। कहते हमें तभी लगता है कि क्या कोई गर्व नहीं है आपके देशवासियों को अपने देश की भाषा पर, अपने देश के अभिवादन पर। तुम खुद भी महसूस करो, सारा दिन क्या चलता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं सब लोग या जो भी कोई मिलता है, लेकिन नमस्कार हमारे देश का या नमस्ते अभिवादन सूचक शब्द है, हमने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि राष्ट्रीयता पर गर्व नहीं, इसलिए नहीं अपनाया। कोई संसार में कोई देश देख लो, सारे देश के बच्चे और लोग अपने अपने देश की भाषा में अभिवादन सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नमस्कार, नमस्ते इत्यादि वो अपने देश की भाषा में बोलते हैं। तुम इस पर खुद महसूस करना इस बात को। तो इसलिए शब्दों के प्रयोग में इन चार चीजों को समझो, और इसके अनुसार ही कोई भी शब्द कहां से आया, क्यों आया, इस पर थोड़ी खोज होनी चाहिए। ऐसा शब्द जो अनजान शब्द है तुम्हारे लिए, उसका जन्म जानो कहां हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, व्यर्थ में किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं। तो ये विषय शब्दों का हम यहीं पर समेटते हैं।